हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों कि एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड दोस्तों यानी कि डेबिट कार्ड घर बैठे अप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों। और अभी तक ने दोस्तों हमारे जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपनिंग का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों एक्सिस बैंक का, तो वो वीडियो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख के सीख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक के वेबसाइट में आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ से दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे पर्सनल के राइट साइड में आपको दिख जाएगा लॉगिन। तो यहाँ पे पर्सनल के राइट साइड में लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने कस्टमर आईडी और पासपोर्ट डाल के दोस्तों यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ, तो चलिए उसके बाद मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो थ्री लाइन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कार्ड में आ जाना है। अब कार्ड में आपको नीचे दिख रहा होगा दोस्तों माई डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जितने भी कार्ड आपके अकाउंट से लिंक है दोस्तों, वो सारे यहाँ पे दिख जाएगा आपको दोस्तों। तो आप यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से अपने कार्ड को सेलेक्ट करके और यहाँ पे कार्ड डिटेल्स को यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपका कार्ड कहीं खो गया है दोस्तों, तो यहाँ से अपने कार्ड को कोई भी सिलेक्ट करके और यहाँ से आप अपने कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों मोर सर्विस, तो यहाँ पे मोर सर्विसेज पे क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ से अपने एटीएम का पिन चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और अपने एटीएम का जो लिमिट होता है दोस्तों उस लिमिट को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे डेबिट कार्ड का पिन जो है दोस्तों वो सेट भी कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो अपने डेबिट कार्ड को कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि कार्ड को अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिप्लेस अपग्रेड कार्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लिया हूँ। और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं किस तरह का डेबिट कार्ड मंगा रहा हूँ दोस्तों, अगर मैंने ऑनलाइन अकाउंट खोला है तो यहाँ पे ऑनलाइन रिवर्ड्स डेबिट कार्ड मंगा सकते हैं दोस्तों, या फिर टाइटानियम रिवर्ड्स मास्टर कार्ड चिप वाला भी मंगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मास्टर कार्ड ही सिलेक्ट रहने देता हूँ दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोसेड, तो प्रोसेड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों, यहाँ से आप डोमेस्टिक ही कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डोमेस्टिक ही रहने देता हूँ। और उसके बाद फिर से दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना एड्रेस कंफर्म कर लेना है, इसी एड्रेस पे आपका डेबिट कार्ड डिलीवर होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से फिर आपको प्रोसेड करना है, तो चलिए मैं प्रोसेड कर लेता हूँ। प्रोसेड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड जाएगा जो कि आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो मेरे मोबाइल पे आ गया है, तो चलिए मैं इसे फिल कर देता हूँ।
फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म करना है दोस्तों, अगर आपके पास ओटीपी कोड नहीं आया है तो आप यहाँ से रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके आप फिर से दोबारा ओटीपी कोड मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों, आपका डेबिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा दोस्तों और 7 दिन में दोस्तों आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना है दोस्तों। और कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के साथ, मिल लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।